हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं सांभर। तो सांभर के लिए सबसे पहले हमको चाहिए तुअर दाल। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी तुअर दाल ले रही हूँ और इसको अच्छे से पानी से पहले वाश कर लेना है। उसके बाद इसमें हम पानी डाल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से धो लिया अच्छे से। और धोने के बाद इसमें पानी डालेंगे लगभग 2 बड़े गिलास, क्योंकि हम सांभर बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा हमको पतली ही दाल चाहिए। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा लिया है, 1.5 चम्मच हल्दी ली है। और 1.5 चम्मच इसमें मैंने नमक लिया है, क्योंकि मैं लगभग 8-9 लोगों के लिए बना रही हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इस तरह से इसको हमको 2 सीटी से पका लेना है। तो ये देखिए, दाल को हमने इस तरह से पका लिया है और इसको पतला कर लिया है पानी, और मिक्स करके पानी को भी उबाल दिया है अच्छे से। और अब हम चलिए यहाँ पे सब्जियाँ बता देते हैं आपको। सब्जियाँ तो ये लौकी है, गाजर है और कुछ बैंगन है और प्याज है। यही सब सब्जियाँ मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली है। यहाँ पे लिया है गाजर, लौकी, बैंगन, और इसमें चाहे तो आप और सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। बीन्स डाल सकते हैं या फिर शिमला मिर्च डाल सकते हैं और मुनगा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज। इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। और 4 टमाटर कट करके रखे हैं, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। तो इन सब को मैं तैयार करके फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम इमली उबलने के लिए रख दी है, तो इसको भी हम अपने सांभर में ऐड करेंगे। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा इमली ली है। आप अगर कम बना रहे हैं तो इसमें कम ही यूज करिए। तो चलिए हम इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। और तो यहाँ पर हमें चाहिए कुछ मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा सरसों। और ये हमने कुछ लिया है सांभर मसाला के पैकेट। तो चलिए सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया पहले से ही। तो इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे करी पत्ता। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट। हेलो, तो इसको इस तरह चलाते हुए भून लेना है लाइट पिंक होने तक, लाइट ब्राउन होने तक। तो ये देखिए, ये पक चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाले। हम इनको भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, पिसा हुआ टमाटर। तो टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कटी हुई सब्जियां। और इनको अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो इसको कुकर में भी पका सकते हैं 1 सीटी लगा करके, लेकिन मैं इसको अभी अलग से पका रही हूँ। पहले इनको अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद ही पकाऊंगी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो अब हमें इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है
ताकि अच्छे से पक जाए सब्जी हमारी सारी। तो ये देखिए सब्जियां लगभग हमारी पक चुकी हैं, थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे 5 मिनट। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि और अच्छे से गल जाए सब्जियां सारी। और इसको 5 मिनट के लिए और ढक देंगे अभी। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे ये जो इमली वाला पानी है 1 कटोरी, और इसको भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला। अब इसको 5 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए सब्जियां हमारी बिल्कुल पक चुकी हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल जो हमने पका के रखी थी। ये देखिए ये दाल है, और दाल को हमने पतला ही रखा है। इसको 1 उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे अभी, और 5 मिनट के लिए इसको हम फिर से ढक देंगे। तो सांभर हमारा बनकर रेडी हो गया है ये देखिए, और अब हम इसके लिए बना लेते हैं तड़का। तो तड़का के लिए हमको चाहिए 1 कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पे, 1 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, और हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा, मेथी और सरसों। इसमें सरसों और मेथी का बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जैसे ये चकट जाएंगे तो हम यहाँ पे डालेंगे कुछ लाल मिर्च है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ, मैं लगभग 12 से 15 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से ये सब लिया है। आप कम मात्रा में यूज करिए, आप 2-4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो। उसके बाद हम ये डाल देंगे लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च डालनी है आपको, और अगर नहीं है तो आप कटी हुई भी डाल सकते हैं, हरी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे करी पत्ता। तो अब हम इसको डाल देते हैं अपने बने हुए सांभर में, और आपको तड़का जरूरी है लगाना, तभी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सांभर का। और ये अच्छे से पक चुके हैं, तो चलिए हम इसको कढ़ाई को उठाते हैं और इसमें इसको डाल देते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे ऐसे। तो अब हमारा सांभर बिल्कुल रेडी है, और आज हम डोसा भी बनाने वाले हैं, तो मैं डोसे की रेसिपी आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा सांभर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। तो आप इस तरह से घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है, और होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर आप घर में बनाते हैं तो। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।